नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित न्यूज पब्लिश हुई है और ये खासकर टीजीटी पीजीटी और हायर वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि वो परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले न्यूज का टाइटल क्या है उसको बताते हैं, फिर आगे आपको सब चीजें बताएंगे। लिखा है, यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह। ये टाइटल है। क्या इसी माह अगर गठन हो जाएगा तो क्या आपकी परीक्षाएं यानी यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की और हायर की परीक्षाएं क्या मार्च अप्रैल में करा ली जाएंगी? ये प्रश्न तो आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए, आज हम इस पूरे न्यूज पर अच्छे से विश्लेषण करेंगे और हर चीजों को आपको स्पष्ट रूप से जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाए। और इस पहले न्यूज इस न्यूज को हम पब्लिश जो हुई है इसको पढ़ के सुनाते हैं आपको, फिर इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए टाइटल क्या है, आपको बता भी दिए हैं, फिलहाल फिर से आप सुन लीजिए। यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह। लखनऊ से प्रकाशित न्यूज है। क्या न्यूज है, चलिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन इसी माह हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज्यादा आवेदन आए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द ही होने वाली है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 22 दिसंबर 2023 को आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के 12 पदों के नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किया था। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव स्तर के वर्तमान या निवर्तमान ऑफिसर, विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति या प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव या 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षक अहर्य हैं। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव या अपर सचिव रैंक के सेवानिवृत्त हुए आईएएस अफसरों के अलावा कई पूर्व कुलपतियों ने भी दावेदारी प्रस्तुत की है। सदस्य के 12 पदों में से 6 पद शिक्षाविदों के लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं, आप जान गए होंगे। देखिए, इसमें जो टाइटल दिया गया है, टाइटल तो थोड़ा ज्यादा आकर्षक दिया जाता है कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह, लेकिन इसमें लिखा गया है कि संभावना है कि इसी माह में आपके अध्यक्ष व सदस्यों का चयन हो जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी सर्च कमेटी की बैठक होने वाली है। उसमें सर्च कमेटी में क्या होगा, बैठक में देखिए भाई, जो नियमावली थी उसमें इन अध्यक्ष व सदस्यों की सर्च कमेटी का अध्यक्ष जो है प्रमुख सचिव को बनाया गया था और एक अध्यक्ष के लिए 5 व्यक्तियों के नाम, यानी जो अच्छे 5 व्यक्ति होंगे, जो अच्छी गुणवत्ता रखते होंगे, अच्छा अनुभव रखते होंगे, 5 व्यक्तियों को चयन करना है और एक सदस्य के लिए 3 व्यक्ति। तो 12 36 और 36 5 41 41 सदस्यों को स्क्रीनिंग करना है प्रमुख सचिव को। अब ये अगली जब बैठक होने वाली है, लिखा है सर्च कमेटी की बैठक जल्द ही होने वाली है, तो इसमें इस बैठक में 41 लोगों का लगभग स्क्रीनिंग की जाएगी। 900 में से 900 आवेदन आए हैं, 41 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर ये स्क्रीनिंग के पश्चात मुख्यमंत्री जी के बाद अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि वही इस समय शिक्षा मंत्री है। उसके पश्चात इनकी नियुक्ति होगी और नियुक्ति के पश्चात जब ये कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तब कहीं कार्य शुरू होगा। तो देखिए, अभी सर्च कमेटी बैठक लेगी, बैठक के पश्चात इसमें निर्णय हो जाएंगे कितने कौन कौन लोग हैं, फिर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास जाएगा। अब मुख्यमंत्री के पास बहुत जल्दी फाइल अगर वो करेंगे, हम जानते हैं मुख्यमंत्री जी जल्दी भी कर सकते हैं, तो 4-5 दिन के अंदर कर लेंगे। तो हमको लगता है कि इनके नामों का अप्रूवल जो है इस माह के अंत तक हर हाल में आ जाएगा। कौन अध्यक्ष कौन सदस्य बनेंगे इनका अप्रूवल हो जाएगा, उसके लिए नियुक्ति के लिए इनको कुछ दिन दिया जाएगा। तो हम मानते हैं कि ये लास्ट फरवरी या फिर हो सकता है कि पहले सप्ताह मार्च में इनकी नियुक्ति हो सकती है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लगभग अगर नहीं लास्ट फरवरी तक करा पाते हैं तो हो सकता है प्रारंभ मार्च, यानी फर्स्ट सप्ताह मार्च में लगभग इनकी नियुक्ति हो सकती है, संभावना ही है। और फिर नियुक्ति के पश्चात अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या प्रश्न पत्र यानी कराए जाएंगे, पेपर्स कराए जाएंगे टीजीटी पीजीटी और हायर के? तो इतनी जल्दी करा पाना, पहले भी मैं बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ, करा पाना संभव नहीं होता, इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता होती है। मार्च में आपका मान लो अध्यक्ष सदस्य भी आ जाएंगे, उसके पश्चात अप्रैल से लगभग आपके समझ लीजिए लोकसभा इलेक्शन शुरू हो जाएगा, मिड अप्रैल से हमको जहाँ तक अनुमान लगता है।
और तो ये एक महीना ही इनको समय मिल रहा है बीच में कराने का। इस बीच में इनके पेपर निर्मित हैं कि नहीं, पहले भी मैंने अनुमान, मुझे जहां तक जानकारी है कि इनके पेपर जहां तक अभी तक टीजीटी के तो निर्मित नहीं है, पीजीटी हायर के हो सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के अभी निर्मित नहीं है, जहां तक हायर के में भी संभव है। और फिर केंद्रों का व्यवस्थापन, केंद्र का निर्धारण हुआ है कि नहीं, इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, बहुत चीज़ें आपत्तियाँ आती हैं। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को अगर आप एनालिसिस करें तो मेरे हिसाब से ये बीच का जो एक महीना निकल रहा है लोकसभा इलेक्शन से पहले और ये मिड या एक सप्ताह के बाद मार्च के बाद से, इसमें करा पाना इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। काबता क्या किसी कौन सी स्थिति, भाई मुख्यमंत्री जी का आदेश आ जाए कि जल्दी जल्दी एक सप्ताह के अंदर परीक्षा स्क्रीनिंग करिए और परीक्षा पेपर निर्मित है कि नहीं निर्मित, कैसा क्या। लेकिन पेपर न निर्मित होने पर संभव नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता। अगर पेपर निर्मित हो चुके हैं तो परीक्षा संभव है कि ये लोकसभा इलेक्शन के पहले करा लें, लेकिन पेपर अगर निर्मित नहीं है तो परीक्षा लोकसभा के इलेक्शन के पहले कराना संभव नहीं है, ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो परीक्षा अधिकतर संभावना हम अभी भी फिर भी है कि जून जुलाई की तरफ ही जाएगा, इससे पहले हमको नहीं दिखता। देखते हैं कि अध्यक्ष और सदस्य कब तक नियुक्त हो जाते हैं, जब नियुक्त हो जाएंगे तो अनुमान लग ही जाएगा कि कब तक। फिलहाल अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और ये कहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी परीक्षा आपकी जून जुलाई की तरफ ही जाने की लगभग 90% संभावना है, 10% में पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि मे बी करा लें, लेकिन अगर पेपर निर्मित होंगे तब, अन्यथा नहीं। चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहें तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।